Hey friends, what's up? Welcome back to my channel. It's TC here with another video, and this time it's 19028 Jammu Tawi Bandra Terminus Vivek Express Part 2. So guys, अपनी जो विवेक एक्सप्रेस जो कि जम्मू तवी से बांद्रा के लिए जा रही थी, अहमदाबाद पे इसका लोको चेंज हुआ था, अगर आपको याद होगा, बाटवा WDM 3A से वडोदरा वेब 7 में. तो अपना भाई उस एक्टिविटी का पार्ट 2 अब चालू है. सो गाइस, आज की जो हमारी जर्नी है वो जो रह गई थी विवेक एक्सप्रेस में वो कंटिन्यू होगी. एंड अभी यार अपनी ट्रेन पता नहीं कहाँ पहुँच रही है, पता नहीं गाइस, आगे रेड सिग्नल दे रखा है, तो देखते हैं यार क्या होने वाला है. मे बी ट्रॉलिंग लगाई हो यहाँ पर भी हमने. एस गाइस, अपना जो नदियाद स्टेशन है वो स्टिल 22 किलोमीटर दूर है, तो ये तो अपना कोई स्टॉप नहीं है, मतलब शेड्यूल स्टॉप नहीं है, अनशेड्यूल स्टॉप हो सकता है. एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस कि मैं बहुत टाइम से कमेंट्री वीडियोस नहीं डाल पा रहा था. एंड अब मैं ट्राई करता हूँ कि आपको डेली वीडियोस प्रोवाइड करूँ कमेंट्री की. एस गाइस, काफ़ी टाइम हो गया मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाया, प्लस जो मैंने डाली थी वो विदाउट कमेंट्रीज थी, तो आप भी यार मेरे से काफ़ी डिसअपॉइंट होंगे. अभी मैं ट्राई करता हूँ कि सारा कुछ कवर अप करूँ, काफ़ी सारी मेरी वीडियोस पेंडिंग है. अभी पार्ट टू हो गया काफ़ी ट्रेन्स के, प्लस बहुत सी रिक्वेस्टेड वीडियोस थी. एंड अभी यार अपनी विवेक एक्सप्रेस पे फोकस करते हैं, जो कि आगे रेड सिग्नल है और मैं अच्छी खासी स्पीड में जा रहा हूँ, एटलीस्ट 103 किलोमीटर पर आवर. ये भाई कौन सी ट्रेन थी, आई थिंक गुजरात के नाम से कोई थी, 22953 गुजरात सुपरफास्ट एक्सप्रेस डिपार्टिंग फ्रॉम मेहम, यार ये क्या नाम था, महमदाबाद खेड़ा रोड आई थिंक. वो गाइस अभी जो मालगाड़ी गई है, लगता है उसने ओवरटेक कर दिया भाई अब इस गुजरात सुपरफास्ट को. बाप रे यार, ये तो थोड़ी डिसरिस्पेक्ट हो गई सुपरफास्ट की. एंड ये भाई इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दो भाई, रुक जाना ट्रेन, क्योंकि पार्ट टू खेल रहे हैं, अपना ब्रेक वो सॉरी सिग्नल नहीं टूटना चाहिए. जी हाँ, मोहसिन पटेल जी के वेब 7 की यही अच्छी बात है, अगर आपने इमरजेंसी ब्रेक्स लगा दिए तो बहुत चांसेस हैं कि आपका सिग्नल टूटने से बच जाएगा, मतलब जिस भी चीज़ से आप अपनी ट्रेन को बचाना चाहते हैं, और फिर आगे ट्रक हो कार हो जो आपका भाई सामने हो, वो उस चीज़ पे अप्लाई होता है. अपना सिग्नल था, बच गया. अभी करते हैं गाइस ब्रेक्स रिलीज. भाई हमारे इमरजेंसी ब्रेक्स, गाइस अपने इमरजेंसी ब्रेक्स लगे भी थे, क्योंकि अभी मैंने अपना बैक स्पेस की दबाया तो वो रिलीज बता रहा था मेरे को. एंड गाइस, मैं आपको ये बताना चाहता था कि अगर आप कोई एक्टिविटी खेलते हैं और आपको रेड सिग्नल मिलता है, अगर आपको पता है कि आगे कोई ट्रेन नहीं है, आपको ऐसे ही रेड सिग्नल दे रखा है, तो आप कोशिश करें कि जिस जगह खड़े हैं वहाँ पे ब्रेक्स को कम्प्लीटली रिलीज़ कर दें. उससे क्या होता है कि वेटिंग पॉइंट जो होता है वो चालू हो जाता है. समटाइम्स हम किसी स्टेशन पे जाते हैं और वो ऐसे ही अपना यार लाल सिग्नल रह जाता है. वो क्यों होता है, क्योंकि वो जो वेटिंग पॉइंट है उसकी ओपन रेल्स ने काउंटिंग स्टार्ट नहीं करी होती है. तो चलिए भाई, हॉर्न बजा दिया है, अनशेड्यूल स्टॉप था, एक ही हॉर्न काफ़ी है, निकलते हैं अब यहाँ से. एंड भाई 130 KMPH की स्पीड लिमिट है, बट जैसे कि अपने पास इन्फॉर्मेशन है कि जितनी ट्रेन्स हैं शताब्दी को छोड़ के, मुंबई से अहमदाबाद जाने वाली शताब्दी, वो ही सिर्फ 130 करेगी, मतलब 130-125 ऐसी कुछ, बाकी सब 110-120. एंड ये आप देख सकते हैं कोई मालगाड़ी आ रही है विद EMD WDG4. एंड गाइस सॉरी कि मैं रेलवर्क्स की कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पाया, एस मैंने लास्ट टाइम कहा था कि मैं गाइस रेलवर्क्स की वीडियो में भी प्रोवाइड कर सकता हूँ, बट हुआ क्या कि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने 3 बार ट्राई करा रेलवर्क्स की वीडियो बनाने की, और तीनों बार क्या हुआ, पहले में अपनी वीडियो ख़राब हो गई, मतलब कि गाइस मैं खेल रहा था बहुत, अब पूरी अपनी वीडियो भी कंप्लीट हो गई, मैं जब उसे एडिटिंग करने बैठा तो मेरे को पता चला कि कुछ ड्यूरेशन में अपनी जो वीडियो है वो कहीं कहीं अटक चुकी है. अब वो ऐसा क्यों हुआ यार, ये अपने को पता नहीं है. एस रेलवर्क्स 2018 गाइस, अब मतलब थोड़ा बहुत पुराना हो चुका है ऐसा कह सकते हैं.
वो 32-bit वर्जन था, तो मे बी वो इतनी मेमोरी अपने यूज़ में नहीं ले पा रहा हो। और यार इतना मतलब परेशान हो गया मैं कि ये 3 बार भी इतना गुस्सा है ना कि मैं भागा भाई अपना फिर ओपन रेस पे, कि भाई लोग को वीडियो प्रोवाइड करनी है तो भागो ओपन रेस पे, खोलो अब और विवेक एक्सप्रेस चालू कर दो, क्योंकि लास्ट टाइम हमने कहा था गाइस कि 1 हफ्ते के अंदर विवेक एक्सप्रेस प्रोवाइड कर दूंगा मैं। बट जहाँ तक मेरे को अब ध्यान में है 2 हफ्ते हो चुके हैं अब आ रही है ये। चलिए जैसी भी है ट्राई करते हैं यार कि मतलब जान डाल दें वीडियो में आज की। वैसे तो गाइस ट्रैफिक पूरा रहेगा, ट्रैफिक आता रहेगा, और अगर नहीं आया तो भाई हम बैठे हैं 130 से ऊपर लेके जाएंगे, क्योंकि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मतलब एक तरह से स्ट्रिक्ट ऑर्डर नहीं है कि आपको 130 से ऊपर नहीं जाना है, आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि अपने पीछे या तो पाइथन चल रही है या शताब्दी चल रही है। अगर हम तेज जाएंगे तो मे बी आगे वाली लूप लाइन में हमें ऐसे ही स्टॉप मिल सकता है, कोई ओवरटेक नहीं होगा, क्योंकि मालगाड़ी और पाइथन, सॉरी यार मालगाड़ी पाइथन तो सेम ही हुआ ना, मालगाड़ी और शताब्दी थोड़ी पीछे रह जाएंगी। एंड गाइस आगे धुआं हो रहा है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि ट्रैफिक ट्रेन आती रहेंगी, तो धमाका है भाई अपनी एक्टिविटी में आज की बहुत। अभी मतलब एक मालगाड़ी गई, एक सुपरफास्ट का ओवरटेक दिखा दिया, एक और मालगाड़ी आ रही है, पता नहीं गाइस मालगाड़ी कौन सी है यार, देखते हैं। F7 ऑन कर लेते हैं, मतलब आप F7 प्रेस करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन सी ट्रेन आपके सामने आ रही है। वैसे गाइस देखने से तो लगता है यार कोई मालगाड़ी आ रही है, जी हाँ मालगाड़ी है EMD के साथ, रिसेंटली अभी ही WDG4 के साथ गई, एंड अब आया भाई WDG4D BCNHL रेक के साथ। चलिए बाय बाय। और यार अपनी एक्सेलरेशन इतनी बुरी क्यों हो रही है भाई, ब्रेक्स रिलीज है ना भाई, नीचे देख लो कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रहा था, बट ऐसा गाइस गेम में नहीं होता तो चेक करना बेकार है। वो अपने लोकोमोटिव का ही मतलब थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा, यार जितनी तुम हमें ट्रैवल पावर दोगे उतने पे ही तो हम जाएंगे, 100 रखो फिर देखो। एंड गाइस जैसा कि मैंने 100 करी है तो भाग रही है स्पीड, मतलब इजीली 130 कर देगा ये ट्रेन, मतलब अपना लोकोमोटिव, सॉरी। BRC वेब 730459 भाई हॉक कैपेबल है, व्हील स्लिप ओवर, क्या ओवर हो रहा है भाई, ये व्हील स्लिप का तो ओवर होता रहता है, बट वो बताता नहीं है यार कौन सा ओवर है। एंड बाय द वे गाइस मैं 130 के आसपास इसलिए जाना चाह रहा हूँ कि ट्रैफिक ट्रेन्स हमसे मतलब सही टाइम पे मिलती रहेंगी। एज समटाइम्स क्या होता है गाइस, जो मालगाड़ी होती है ओपन रेल्स में, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि न्यू वर्जन में उनकी स्पीड थोड़ी रिड्यूस रहती है। अब मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता कि किसकी रिड्यूस रहती होगी और किसकी नहीं, तो जिसकी रिड्यूस रहती है वो बहुत पीछे रह जाती है कुछ ट्रेन से बस। एंड जैसा कि आप सभी देख सकते हैं नदिया स्टेशन अब बाकी है, किलोमीटर, तो चलिए 128 के आसपास अपनी स्पीड आ चुकी है। ऑल्ट प्लस ए प्रेस करेंगे एंड ऑटो पायलट पर रख देंगे, तो ऑटो पायलट क्या करेगा इसी स्पीड पर अपनी मेंटेन करता रहेगा, मतलब स्पीड ट्रेन की। ये कौन सी ट्रेन आई यार, ये भी मालगाड़ी आई। एज गाइस काफ़ी मालगाड़ी मिलेंगी आपको इस एक्टिविटी में, एज जो समय में ये विवेक एक्सप्रेस को मैंने चलाया है, मतलब जो रियल टाइमिंग रहती है अहमदाबाद से वडोदरा की, उसमें इतना एक्सप्रेस और मेल वगैरह का इतना ट्रैफिक नहीं था, तो मेरे को मालगाड़ी ऐड करनी पड़ी। जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था कि 5 मिनट के अंदर यार एक ट्रेन तो आनी चाहिए, जहाँ तक है गाइस अपनी तो यार 9-10 मिनट के अंडर ही 5-6 ट्रेन्स आ चुकी हैं। वैसे गाइस 130 की लिमिट है, तो ट्रैफिक ट्रेन्स अच्छी स्पीड में भागती जा रही हैं।
एंड ऑटो पायलट जीपी यार अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब 128 की स्पीड मेंटेन कर रहे हैं। बस आगे रेड एंड येलो सिग्नल आया, मैं अपनी ट्रेन भाई वापस ले लूँगा, क्योंकि गैस ये रेड एंड येलो पे स्टॉप ले लेंगे और हम उसे क्रॉस कर देते हैं। हम सिर्फ तभी रुकते हैं जब हमारा रेड सिग्नल होता है। क्या मैंने ये सुना कि भाई तुम तो कभी कभी रेड सिग्नल भी तोड़ देते हो? नहीं, अब मेरे को प्रूफ नहीं चाहिए। एंड राइट नाउ आर विवेक एक्सप्रेस इज गोइंग टू क्रॉस गोथाज स्टेशन आई थिंक। बाय द वे गाइस, इतना मतलब रेल वर्क्स का मैं वीडियो बना के फेल हो गया ना, और अब ओपन रेल्स खेलने में यार मतलब इतनी खुशी हो रही है ना कि मज़ा आ गया। ये भाई बिना हॉकिंग के स्टेशन को क्रॉस कौन करता है यार? तो चलिए अब कर देंगे, उसमें क्या है। वाह, 127 की स्पीड मेंटेन, 127.8 किलोमीटर पर आवर। बस क्या सोचिए, अगर वो पॉइंट नहीं होता तो यार ये स्पीड होती क्या, और अपनी ट्रेन किस मतलब एक तरह से व्यू क्या होता गेम का, अगर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी ट्रेन चल रही हो तो। वैसे गाइस कभी ट्राई करेंगे, ऐसे यार गेम है तो पॉसिबल है, गेम है तो पॉसिबल है, हम चाहें तो 1000 या 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी जा सकते हैं। बिकॉज गाइस मैंने खुद वाटवर्ड WDM 3 या 3D को उसकी पावर मैंने एडिट करके उसे 500 या 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाया है। मैं तब से भाई समझ गया था कि जब जब अपने को कोई ऐसा लोकोमोटिव मिले ना जिसकी पावर कम हो, उसमें एडिटिंग मार दो, हॉर्स पावर एंड उसका मतलब जो एक्सेलरेशन का जो भी रहता है कोडिंग वगैरह, वो थोड़ा वैल्यूज इंक्रीज करनी है बस। एंड अब गाइस मेरे को शक हो रहा है कि अपना जो है रेड सिग्नल पास आ रहा है। भाई रेड सिग्नल क्या, अपना स्टेशन भी पास आ रहा है, 7 किलोमीटर बचा है नदिया स्टेशन, ये तो देख लो। बाय द वे गाइस, वो WCAM 2B या WCAM 3 के बाद जो BCA ने लेके गए हैं कोई ट्रेन नहीं आई है यार, ये क्या बात हुई। चलिए 3 पर जाके देखते हैं। वैसे तो गाइस सिग्नल तो अप्रोच दिख रहा है, मतलब येलो है, तो मे भी आ रही हो कोई, देखते हैं। जो स्टेशन का मेन लाइन का सिग्नल होता है वो इंडिकेट करता है सही चीज़, ये आउटर में तो भाई ऐसी मतलब ड्रंक रहते हैं सारे सिग्नल, भले ही वो ग्रीन हो बट ट्रेन नहीं आएगी जब तक स्टेशन का मेन लाइन का सिग्नल हरा नहीं हो जाता। आई मीन आप ऐसा कह सकते हैं कि आउटर सिग्नल एक तरह से ऑटो पर है, तो जैसी ट्रेन आउटर में जाएगी उसे पूरे सिग्नल मिलते हैं। तो चलिए इसी स्पीड से जाते रहेंगे, मतलब 4.6 किलोमीटर लेफ्ट है अपना स्टेशन एंड 111 की स्पीड मेंटेन हो रही है, मतलब वो पॉइंट पॉइंट करके डिक्रीज होती जाएगी, देखते हैं यार क्या रहता है। बाय द वे गाइस सीनरी भी काफ़ी अच्छी है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया ही होगा कि खंडेश रूट का जो लेटेस्ट अपडेट है वो है अहमदाबाद से वडोदरा एंड मे बी वडोदरा, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया था पिछली वीडियो में भी कि वडोदरा है या वडोदरा, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है अभी भी। भाई इधर फैक्ट्री है क्या यार, अभी ये कार होती तो लेके चल देते हम तो फैक्ट्री में घूमने के लिए, क्योंकि अपने को हर मोड़ पे कुछ ना कुछ धमाकेदार चाहिए होता है। जैसे कि अपने को अभी चाहिए कि कोई शताब्दी आ जाए, भले उसका टाइम ना हो, 130 पे जाए।
बाय द वे गाइस, मेरे को लग रहा है जो प्लेटफॉर्म है अपना वो मेन लाइन पे है। चलिए ये भी अच्छा है, मतलब लूप लाइन के लिए इतना अपने को स्पीड डिक्रीज नहीं करनी पड़ी। पर यार आगे इतना धुआं क्यों हो रहा है? ओपन रेल्स भी यार पूरा खुराफाती है, मतलब जब ऐसी लोकेशन आई है जहाँ पे अपना FPS ड्रॉप होगा ही होगा। एज गाइस आउटर में मेरे को अगर 100 FPS मिल रहा है तो सिटी में वो एटलीस्ट हो जाएगा 60 से 65, मतलब खंडेश रूट की सिटीज़ में। और ये यार कौन सी ट्रेन थी, मैं उसका F7 दबाने ही भूल गया, मतलब जो लेबल होता है। चलिए पीछे जाके पता करते हैं यार। 19561, ओह ये तो TN लिखा है यार, मेरे को TN का गाइस याद ही नहीं रहा वो कौन सा स्टेशन हो सकता है। बट TN ओखा विवेक एक्सप्रेस लिखा था आई थिंक तिरुनेलवेली, एंड मे बी गाइस आई माइट बी रॉन्ग, सो यू ऑल कैन करेक्ट मी इन दी कमेंट सेक्शन। और ये करिए भाई हमारे लोको पायलट जी ने धमाकेदार वाली एंट्री 88 किलोमीटर पर आवर पे नदियाद स्टेशन में। स्टेशन मास्टर रमेश महाजन जी कहेंगे भाई आज से तुमको नहीं देंगे हम ट्रेन चलाने को, तुम जाओ शंटिंग ड्यूटीज करो। वैसे तो गाइस शंटिंग से याद आया, काफ़ी टाइम से यार हमने शंटिंग भी नहीं करी। अब लगता है भाई अपने को एमरजेंसी ब्रेक्स लगाने पड़ेंगे, और मेरे को लग रहा है इसकी अपनी ट्रेन नहीं रुकेगी, बट देखते हैं यार क्या होता है। नहीं रुकेगी गाइस, आज तो अपना सिग्नल गया, जो होगा देखा जाएगा, जय राम जी की, गया अपना सिग्नल। तो चलिए गाइस पीछे करते हैं ट्रेन। भाई रमेश महाजन जी कहने ही वाले हैं कि यार इतनी मतलब तुम्हें हर मोड़ पे धमाकेदार चीज़ें चाहिए होती है ना, लो हो गया तुम्हारा धमाका, गया सिग्नल। एंड गाइस ये अच्छी बात हुई कि अपना स्टेशन जो है स्किप नहीं हुआ, मैं उस पर पीछे जाके मतलब पैसेंजर बैठा सकता हूँ, मे बी यहाँ पर भी बैठ सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है इनका। अरे यार मतलब TCS एमरजेंसी ब्रेकिंग लग गई, Ctrl+M भाई एमरजेंसी ब्रेक रिलीज। और ये मालगाड़ी गई है, अपने को पता ही नहीं चला, हम Ctrl+M दबाने में बिजी थे। तो चलिए ब्रेक्स रिलीज हो चुके हैं, पीछे करते हैं गाड़ी थोड़ी जिससे कि वो प्लेटफॉर्म में चली जाए। ये आप देख सकते हैं कोई बैग नहीं था रेड कलर में, एंड अनुभव कश्यप जी ने जहाँ तक मेरे को याद दिलाया था कि इसका नेम है एक तरह से डॉक्टर सिल्वर। यार इस लोकोमोटिव का नाम डॉक्टर सिल्वर क्यों रखा गया होगा? वैसे गाइस मेरे को नहीं पता, आप बता सकते हैं? क्योंकि अपने को जो पता होता है भाई हम सब खुल के बताता है। जैसे कि यहाँ पे ये लगता है कोई नई बिल्डिंग खुली है, तो आपको अगर रूम चाहिए हो तो बता दीजिएगा, थोड़ी फिक्सिंग कर लेंगे। भाई सिग्नल तो आ गया, प्लेटफॉर्म किधर है? तो चलिए प्लेटफॉर्म भी आ गया, फिर से एमरजेंसी ब्रेकिंग्स लगा दो, मतलब एमरजेंसी ब्रेक्स लगा लेते हैं। ऐसे कर जब मेरे को जा बढ़िया वाली ब्रेकिंग चाहिए होती है ना, मैं क्या करता हूँ भाई, लगाए एमरजेंसी ब्रेक हो गया काम। रियल में तो लोको पायलट्स मतलब ट्रेन ब्रेक ही मोस्टली यूज़ करते हैं, एमरजेंसी ब्रेकिंग सिर्फ एमरजेंसी में काम होती है। बट अपने लिए भाई ट्रेन ब्रेक और एमरजेंसी ब्रेक दोनों सेम हो रखे हैं, क्या बात है यार। अपनी ट्रेन को आगे तो रेड सिग्नल दिखा रखा है, इधर अपने ट्रैक मॉनिटर में कोई सिग्नल ही नहीं है। वो अगला है सिग्नल गाइस अपने को दिखा रहा है 0.6 किलोमीटर पे। यार ऐसा नहीं चलेगा, जरा से हमें पता चला मैंने इस सिग्नल को क्रॉस किया और अपना सिग्नल फिर टूट गया। तो चलिए भाई पैसेंजर बैठ चुके हैं, पैसेंजर बोर्डिंग कंप्लीटेड, यू में डिपार्ट नाउ। नहीं भाई हम डिपार्ट नहीं करेगा, हमें पहले वो सिग्नल चाहिए। पहले हॉर्न बजा दिया एंड देन एक और हॉर्न बजाएंगे, मतलब थोड़ा रुक के 10 सेकेंड रुक के। जैसे कि आप सभी ने देखा मेन लाइन का सिग्नल येलो हो चुका है, तो इंडिकेट कर सकते हैं हम इस बात मतलब चीज़ से कि कोई ट्रेन आ रही है, डेफिनेटली आ रही है। तो चलिए ब्रेक रिलीज Ctrl+M, और ये मिल गए भाई अपनी कौन सी ट्रेन को सिग्नल, जी हाँ 19028 जम्मू तवी बांद्रा विवेक एक्सप्रेस। प्लीज़ आप इस बोर्ड पर मत देखिएगा,
अहमदाबाद मुंबई अहमदाबाद डबल डेकर एक्सप्रेस, जिसका हमने जनरेटर कार चुरा लिया है और विवेक एक्सप्रेस में लगा दिया है। ऐसा गाइस रियल में होता तो डेफिनेटली ट्विटर पे ट्वीट कर दिया होता भाई किसी पैसेंजर ने, तो डेफिनेटली। क्योंकि इंडियन रेलवेज में ट्रेन्स में ट्रेवलिंग करते टाइम एटलीस्ट पूरी ट्रेन में एक पर्सन तो भाई ऐसा होता है जिसको जरा सी भी मतलब प्रॉब्लम दिख जाए ना कि ये है गलत और ये है सही, तो वो ट्वीट करेंगे ज़रूर। और F7 से देखते हैं ये कौन सी ट्रेन आई, हम इसके बारे में ट्वीट करेंगे। मालगाड़ी है, वाह 3 लोकोमोटिव, यार ये कैसा हुआ? क्यों नहीं हो सकता यार, जब हम कितने सारे लोकोमोटिव चलाए थे गाइस हमने, पता नहीं गाइस बहुत पुरानी बात है, जहाँ तक 1 साल हो चुका है। मैंने एक इलेक्ट्रिक परेड की वीडियो बनाई थी, उस पे आप सभी ने काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी दिया था, एंड उसमें पता नहीं मैंने कितने लोकोमोटिव फिट करे होंगे एक कंसिस्ट में, जहाँ तक है 10-15 ऐसी कुछ थे। और यार एक्सेलरेशन इतनी गजब थी कि मैं क्या कहूँ, इतनी गजब थी कि मैंने इतनी को इतनी कर दिया आई थिंक। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो जाती है। बाय बाय नदियत सिटी, एंड हेयर वी कम आनंद जंक्शन एट फुल, सॉरी एट फुल स्पीड। ओके तो चलिए गाइस देखते हैं आप कौन सी ट्रेन आ सकती है। आई होप यार कोई एक्सप्रेस में आ जाए। वैसे गाइस जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि इतना ट्रैफिक नहीं था, तो यार डेफिनेटली कोई मालगाड़ी आ रही होगी, बट अपनी मालगाड़ी है और रमेश महाजन जी ने जो ट्रैफिक मतलब स्पीड लिमिट दी है वो है 130, तो मतलब थोड़ी मतलब सोच सकते हैं कि अच्छी स्पीड में आ सकती है। ऐसे गाइस जितनी भी मालगाड़ी गई हैं सही स्पीड में गई हैं, सही ट्रैक साउंड करके गई हैं, एंड अपना वेब 7 यार इतनी व्हील स्लिप करता है। भाई मुझे एक बात बताओ, विंटर हो रहे हैं, तुमने कहीं क्रीम तो नहीं लगाई ना अपने पहियों पे? सच बताना, क्योंकि इतनी व्हील स्लिप तो यार किसी में नहीं हुई अपनी। अब लगता है इनका रिप्लाई ऐसा आएगा कि भाई तुमने थ्रॉटल पावर भी तो इतनी बढ़ा रखी है, वो भी तो देखो। बट भाई चेक कर लेते हैं कोई क्रीम लगी तो नहीं है ना तुम्हारे पहियों पे? नहीं, वैसे विंटर हो रहे हैं गैस, काफ़ी ठंड है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो वो नाइट हो रही है, अभी ये वीडियो आप जब देख रहे होंगे तो डेफिनेटली आफ्टरनून में आपको मिल जाएगी। एंड गैस ओपन रेल्स को इस टाइम पे खेलने में यार जो मतलब फीलिंग में आती है ना, रात को बैठूँ ठंड है भाई, ब्लैंकेट उड़ा और गेम खेलने बैठ गए, ट्रेन चलाओ आराम से। ये जैसे ही कोई, मैंने आप सभी को बताया था कि मालगाड़ी आ सकती है, ये आ गई मालगाड़ी बैक 5 लोकोमोटिव्स के साथ बॉक्स आने चले। जैसे कि मैंने आप सभी को ये भी बताया कि इंडियन रेलवेज में मोस्टली मालगाड़ी जो आपको क्रॉस कर सकती हैं वो बॉक्स एंड एचल हो सकती हैं। एज गज मेरे एक फ्रेंड है प्रवीण मिश्रा फ्रॉम कोरबा छत्तीसगढ़, उनकी मैंने काफ़ी फ़ोटोज़ देखी हैं मतलब मालगाड़ी की, उनके यहाँ इतनी मेल एक्सप्रेस ट्रेन आती नहीं है, पैसेंजर नहीं आती, सिर्फ मालगाड़ी। तो जितनी भी वो मालगाड़ी की पिक्स लेते हैं उनमें अपने को दिखती है बॉक्स एंड एचल, तो अपने को भाई तब से मतलब समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा इंडियन रेलवेज में फ्रेट में मे बी बॉक्स एंड एचल का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो अपनी एक्टिविटी में भी आपको बॉक्स एंड एचल फ्रेट ट्रेन काफ़ी देखने मिल सकती है। और ये भाई धमाकेदार वाली स्पीड में हमने क्रॉस कर दिया उत्तर सांदा स्टेशन आई थिंक। बाय बाय विवेक एक्सप्रेस, मैं उतरा नहीं हूँ, बस अपने को छोड़ के मत जाना, मैं बस ये नाम पढ़ लूँ उत्तर सांडा। ओके मैं इसे और ज़्यादा नहीं पढ़ता क्योंकि मैं नहीं चाहता गाइस कोई मतलब, छोड़ो यार क्या कहने। ये मालगाड़ी है बेचारी लूप लाइन में गई विद WDG4 ऑफ अननोन शेड। यार अननोन क्यों कहना, हम पीछे जाके देख सकते हैं ना। वैसे गाइस मेन लाइन का सिग्नल अप्रोच है, कोई ट्रैफिक ट्रेन आ गई तो वो एकदम क्रॉस कर जाएगी। अरे बाप रे यार, अपने अभी तो येलो था अब ग्रीन हो गया, बताओ यार हम पीछे आए किस लिए थे और वही काम नहीं कर पाए, अपना WDG4 गया पीछे। ऐसे गाइस अपने को मतलब जा सकते हैं पीछे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब 8 दबाएंगे और पीछे भाग गए हो गया काम भाई, पता चल जाएगी। बट फिर ये डर रहता है कि यार अपना जो गेम है वो क्लोज ना हो जाए,
इसका ओपन रील्स भी इतना कम नहीं है, इतने एरर आएंगे आपको गेम प्ले के टाइम, वो तो मतलब अभी अपना लक है कि गेम को सही कर रखा है, कोई मतलब एरर इतना आता नहीं है। एंड ये आप देख सकते हैं 3 किलोमीटर के बाद ट्रैक मॉनिटर भाई जी हमें इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई तुम्हें लूप लाइन में डाल दिया गया है, शायद तुम्हारा ओवरटेक होगा, अब तुम अपनी ट्रेन रोक लो, पीछे वालों को जाना है। भाई तभी गाइस ये क्या बात हुई, आनंद स्टेशन 12 किलोमीटर दूर था यार, आनंद स्टेशन पे ही ओवरटेक करा देते। बाय द वे गाइस कंट्रोलिंग मेरे हाथ में नहीं है भाई, जो भी कर रहा है कंट्रोलिंग उसके हाथ में है, जहाँ वो पचाएंगे हम वहाँ भाग जाएंगे, बस स्पीड लिमिट जितनी दी जाएगी उतनी में चलाएंगे। ऐसे गाइस आज अपना मतलब जर्नी सही रही है, काफ़ी ट्रेन्स आती जा रही हैं आती जा रही हैं, और जो अपनी स्पीड लिमिट है वो भी मतलब मेंटेन रखी हमने, 130 क्रॉस नहीं करी। तो चलिए भाई थ्रॉटल पावर पूरी बंद कर देते हैं 0% एंड ट्रेन को जाने देते हैं। वो जो सिग्नल था वो जैसे ही 0.7 किलोमीटर बचेगा तब ब्रेक लगा लेंगे। इसका ऑलरेडी ये ट्रेन 5 मिनट लेट चल रही है, वैसे तो ऑन टाइम कह सकते हैं, बिफोर टाइम कह सकते हैं, जो इसका ओरिजिनल टाइम है स्टेशन पे जाने का। ये जो नदियाँ हैं आनंद है वो बहुत आगे हैं, मतलब अभी तो ये 2:40 दिखा रहा है, 1440, बट जो रियल में टाइमिंग होगी वो समथिंग 3 या फिर 4 बज के कुछ करीब होगी। भाई मैंने कहा था यार 0.7 किलोमीटर जब सिग्नल बचेगा तब ब्रेक लगाएंगे, और अपना तो यार पता नहीं कब सिग्नल आ गया पता ही नहीं चला, तो अपने को यूज़ करने पड़ रहे हैं गाइस एमरजेंसी ब्रेक। कोई बात नहीं भाई, पैसेंजर की सेफ्टी के लिए हम कुछ भी करेगा। नहीं यार डीरेल नहीं करूँगा। तो चलिए जैसे कि मैंने आप सभी को बताया कि अपनी जो मतलब सेफ स्पीड लगती है लूप लाइन में जाने की वो 30 से 35 सही लगती है, उससे कम मतलब थोड़ी स्लो हो जाएगी फिर वो 30-35 नॉर्मल। बाय द वे गाइस 30-35 किलोमीटर पर आवर इन रियलिटी भी काफ़ी मतलब होती है। एग्जैक्टली मे बी 10 किलोमीटर पर आवर पे या मे बी 20 किलोमीटर पर आवर पे ट्रैक चेंज कर ही देते होंगे लोको पायलट्स। और भाई ये कौन सा स्टेशन है, कंजरी बोरियावी स्टेशन, मतलब जंक्शन है गाइस यार, यहाँ से कौन सी ट्रैक इधर उधर जा रही है। चलिए जो भी ट्रैक जिधर जा रही है उसे जाने देते हैं, हम अपनी ट्रेन पे फोकस करते हैं, वो काफ़ी अच्छे तरीके से जा रही है, साफ सुथरी ट्रेन है एक्सेप्ट दी सेकेंड क्लास कोचेस। और ये भाई दोनों पटरी जो है मतलब मेन लाइन की सिग्नल कर दिया गया है हरा, ये भाई तुम आज शहीद हो जाओगे, देखते हैं यार क्या होता है। ये सिग्नल नहीं टूटने दूंगा भाई मैं, मतलब सही से लेके जाऊंगा इस बार। तो चलिए आप ब्रेक लगा लेते हैं क्योंकि एक गोल रखा है कि सही से लेके जानी है। जी हाँ अपनी ट्रेन रुक जाएगी, ब्रेक्स इनिशियलाइज कर देंगे ताकि वेटिंग पॉइंट जो है वो काउंटिंग करना शुरू हो जाए, मतलब ओपन रेल्स का। एंड ब्रेक्स इनिशियलाइज करने के बाद लगा भी सकते हैं अगर अपनी ट्रेन पीछे आ गए मूव करेगी, मतलब अगर ग्रेडियंट पे। भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही तेज मूव कर दिया यार, थ्रॉटल पावर तो बंद है ना यार, हम क्या करते हैं, थ्रॉटल पावर हमने जीरो करी नहीं, ब्रेक लगा दिए, क्या क्या सीन हो रहा है गाइस अपने साथ। जी हाँ चलिए, एंड मे बी गाइस आपको कुछ ट्रेन की साउंड आ रही होगी, आई डोंट नो अभी टाइम क्या हो रहा होगा, मे बी सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे भाई, पता नहीं गाइस कौन सी ट्रेन होगी। एस यहाँ से मेरे घर से जो रेलवे स्टेशन है वो 2 किलोमीटर समथिंग ऐसी कुछ है, तो रेलवे ट्रैक्स भी 2 या ऐसी कुछ है। नाइट एंड मॉर्निंग में दोनों में ट्रेन्स की साउंड आती हैं, तो यार मतलब इतना मज़ेदार लगता है ना, क्योंकि जिस चीज़ को आप पसंद करते हो मतलब रियलिटी में पैशन जो रहता है आपका
उसी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हो रही हैं तो मज़ा ही आएगा यार। अपनी कोई मालगाड़ी नहीं आ रही, मालगाड़ी कह रहा हूँ, ट्रेन नहीं आ रही ओवरटेक करने के लिए, ये क्या सीन हो गया? ओ एसी भाई, ठंड हो रही है बाहर, चलो ये एसी में जाके तो और मेरे को ठंड लग गई गाइस। एसी से बाहर रहने में इस भलाई है भाई, वैसे ही वो धूप हो रही है। एंड ये गाइस वैगन 9 के साथ कोई BCNA फ्रेट ट्रेन है जो कि क्रॉस कर रही है स्टेशन। बाय बाय गार्ड साहब, आपने झंडी तो दिखाई नहीं, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी। एंड जैसा कि गाइस आप सभी को मैंने बताया था पार्ट 1 में, जो आपके पीछे वो पाइथन ट्रेन खड़ी हुई थी वाटवा स्टेशन के आगे, वो आपको ओवरटेक कर सकती है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं आपके सामने है पाइथन ट्रेन जो कि आपको ओवरटेक कर रही है। एंड इसके पीछे गाइस चल रही होगी शताब्दी एक्सप्रेस जो कि अहमदाबाद से मुंबई सेंट्रल के लिए जाती है। अब यार अगर वो ज़्यादा क्लोज होगी तो मेन लाइन अपनी नहीं, अगर थोड़ी दूर होगी और सिग्नल अपने हो गए तो भाई हम मतलब सेफ हैं, आगे जाके ओवरटेक हो सकता है। एंड सो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, ये जो एक्टिविटी का सेकंड पार्ट है ये मैं यहीं तक कवर कर सकता था। अगला पार्ट भी इस वीडियो को गाइस आएगा, मतलब एक्टिविटी का सॉरी पार्ट 3 ज़रूर आएगा। अब वो कब तक आएगा मैं कुछ कह नहीं सकता, इसका मैं सोच रहा हूँ कि डेली वीडियोस अपलोड करूँ तो सबकी रिक्वेस्ट एक बार कवर कर लूँ, देन पार्ट 2 कवर करूँ। भाई सिग्नल दे दो, अब तो हमारे जाने का भी टाइम हो गया, हम भी जा रहे हैं, विवेक एक्सप्रेस को भी जाने दो। तो चलिए गाइज अपनी विवेक एक्सप्रेस भी चल दी, हम भी चल दिए। सो गाइस अब आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आई तो आप इसके रिगार्डिंग कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो कौन सी देखना चाहते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि वो ज़रूर बना पाऊँ। एंड मे बी जो आप अभी रिक्वेस्ट करेंगे अगर पहली बार है तो मे बी वो थोड़ी लेट आ सकती है, ऐसे काफ़ी वीडियोज़ हैं मतलब भाई लोग की जो रिक्वेस्टेड थी काफ़ी पेंडिंग है। एक तो मुंबई से नागरकोइल एक्सप्रेस कोई चलती है वो काफ़ी पेंडिंग है, मतलब बहुत पहले से, वो मैं कोशिश करता हूँ कि अगली बना सकता हूँ मुंबई से नागरकोइल, एंड मे बी वो वेस्टर्न बे रूट पे हो सकती है या फिर मुंबई 2015। सो गाइस अपना ख्याल रखें, मेरी वीडियोस देखते रहें। बाय बाय ऑल, टेक केयर, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।